मोहाली जिला बनूड़ से, हरिद्वार से, हर की पौड़ी से फिर बनूड़ को लेके जा रहे हैं जल। अब की मौसम मतलब ज़्यादा गर्मी है, आपकी धूप ज़्यादा है, पहले पिछले साल जैसा मौसम नहीं है, इसलिए बहुत दिन में नहीं रात को ज़्यादा सफ़र निकाल रहे हैं। रास्ते में व्यवस्था कैसी मिली? रास्ते में व्यवस्था बढ़िया है। अब यहाँ कैसी व्यवस्था यहाँ देखते हो? कावड़ में तो सब बहुत बढ़िया व्यवस्था है यहाँ पे सब। पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई कैसी व्यवस्था रहते हैं? बहुत बढ़िया व्यवस्था है, कोई दिक्कत नहीं पुलिस प्रशासन की तरफ। कितने साल हो गए यात्रा करते हुए? यो 15वीं कावड़ है हमारी। हम पटियाला से आए हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, और मेरा अंजलि ये साहिल है। हमारी झूला यात्रा है, झूला कावड़ है पैदल। दूसरी बार है इस बार। मौसम तो ठीक नहीं था, गर्मी है काफ़ी, बहुत ज़्यादा। पिछले बार जब आए थे तो बारिश हो रही थी, लेकिन इस बार बहुत गर्मी है, तो बाकी सब कुछ ठीक था। प्रशासन की तरफ से बहुत बहुत सुविधा है, बहुत मतलब सीवर वाले हैं ये बता, बहुत रक्षा कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं। थोड़ा सर में डॉक्टर करने सब अच्छे से रक्षा के नहीं, यहाँ भी ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये सारा देखो, हमने मंदिर बनवाया हुआ है, बहुत बड़ा काफ़ी मंदिर हैगा, सड़ा मंदिर है, और ये पुजारी हैं मंदिर के, तो हम पूजा करते हैं मंदिर में। जितना कोई पूजा पाठ आता है तो वो भी करते हैं। बाकी समय निकाल लिया भोलेनाथ की कृपा से, वही समय। हाँ जी, भोलेनाथ की कृपा से। मेरा नाम रोमी गुज्जर है जी, मैं पटियाला के पास में गांव है अपना पसियाना, वहाँ से आया हूँ जी। 7वीं कावड़ है मेरी हरिद्वार से। ये गौ माता के लिए बनी है एक कावड़, कि हमारे गौशाला नहीं है गांव में, तो वो बने इसलिए कावड़ लेके आते हैं जी। इच्छा है मन की, बाकी जय जयकार है, बोलेगी सुविधा फुल है जी, सीवर फुल है, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है जी। जय जयकार है भोले शंकर की। हरियाणा में आके कैसा लगा आपको? हरियाणा में भी अच्छा लगा जी, पर जैसे हरिद्वार से चले हैं सभी अच्छा ही आ रहा है, होता जी कोई ऐसा नहीं है कि दिक्कत परेशानी आई हो। मौसम में पहले दिन ही बारिश हुई थी, अब तो जड़ाके काट रखे हैं जी धुप ने। कैसे सर? प्रशासन की फुल व्यवस्था है जी, हरेक चौक में 2 या 4 पुलिस वाले मिल रहे हैं, भी कोई 19 की ना हो जाए, प्रशासन भी फुल साथ दे रहा है कावड़ यात्रियों को। यहाँ कावड़ शिविर में तो जी शादी जैसी व्यवस्था है, जैसे ब्याह शादी में होती है, ये भोलेनाथ की शादी है, इस करके यहाँ भी ऐसे ही जय जयकार। हाँ जी, यहाँ पूरे खुश हैं, अपनी कावड़ पहुँच गई, वैसे 2 दिन का सफर रह गया जी। जय जयकार है देव जी। अभी बोला मेरा नाम है जी, बनूड़ मोहाली जिले का रहने वाला जी, बनूड़ के पास पिंड है मेरा मोटे माजरा। दूसरी कावड़ है जी मेरी, खुली व्यवस्था मिल रही है जी, शिविर मिल रहे हैं, ट्रैफिक पुलिस रोक रही जी ट्रैफिक नू, कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई। पिछली बार तो ज़्यादा गर्मी है जी, पर शिविर वाले ने किसी दिक्कत नहीं आन दी, पानी मिल रहा, खाना मिल रहा, चाह मिल रही, नहाने की पूरी व्यवस्था जी, हर जगह रोक रोक के फ्रूट दे जा रही है जी, वर्त वाले वास्ते लहरी व्यवस्था, खाना पीना बढ़िया चल रहा है जी। बोला बुलंदा रहा, मानते रहेंगे जी, जेड़ी जेड़ी सिटियाँ बढ़ते जा रहे, लोग साथ देते जा रहे, पूरा किसी बात की कोई दिक्कत नहीं आ रही जी। थोड़ी सी गर्मी है, भोला बाबा वो भी कटा देगा, एक दिन का सफ़र रह गया जी, पहुँचा गया आगा। जय बोले जी। मैं SC गोयल, कैशियर श्री शिव सेवा कावड़ संघ अनाज मंडी की तरफ से बोल रहा हूँ। पूछिए आप क्या पूछना चाहते हैं। हाँ, शिविर है, 26 साल हो गए, साल में 2 शिविर हम लगाते हैं। ऐसा सर बात है कि कावड़ियों की कोई गिनती नहीं, 24 घंटे हमारा शिविर खुला है, दवाई खाना नहाना, किसी कावड़ियों को कोई किसी किस्म का कष्ट हो जाए उसको हम लेके जाते हैं, उसकी पट्टी ज़्यादा हॉस्पिटल डॉक्टर के पास ले जाके उसकी चलता करते हैं। हमारी पूरी सेवा है, हमारे जो सेवादार है, हमारे जो मेंबर है, वो 24 घंटे जहाँ रहते हैं। खाने में जी ये ना पूछो, शादी से ज़्यादा हम आइटमें बनवा रहे हैं। अभी मेरे पास ऑफर आई थी फ्रूट आइसक्रीम की, मैंने कहा भाई फ्रूट आइसक्रीम रात को देनी है, वो कहते रोक लो, क्यों रात को 3 मीठे हैं, तो मैं कल कर देंगे फ्रूट आइसक्रीम। तो भगवान की दया से
देने वालों की कोई कमी नहीं, सेवा वालों की कोई कमी नहीं, मेंबरों की कोई कमी नहीं, फुल सेवा पे लगे हुए हैं। कांवड़ियों की कोई कमी नहीं, उनका आशीर्वाद है भोलेनाथ का, भोलेनाथ की दया से ये शिविर हमारा चल रहा है। ये बोन जमा शिविर है, वो ही चला रहा है, हम तो बस उसके चरणों की सेवा में लगे हैं।